हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगिक एंड मॉडर्न साइंस। फ्रेंड्स, इसके पहले एपिसोड में हमने गीता के 9वें अध्याय का 4था और 5वां श्लोक लिया था, और उसमें हमने एक बहुत ही रहस्यात्मक पहलू पे बात की थी, जिसमें भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि पूरी सृष्टि असल में पूरी सृष्टि मुझ में नहीं है और मैं पूरी सृष्टि में नहीं हूँ। इसी को हमने योगिक साइंस के माध्यम से, योगिक साइंस में जो हमारे 3 सिद्धांत हैं, जो यूनिवर्सल सिद्धांत हैं, उसके आधार पे हमने बात की थी, इस सूत्र को खोला था शर्मा जी के माध्यम से। अब हम आगे के 3 सूत्र लेंगे, यानी सूत्र 7वां, नहीं 6ठा 7वां और 8वां, ये 3 सूत्र लेंगे। ये जो 3 सूत्र हैं गीता के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, क्योंकि इस सूत्र में भगवान महाप्रलय और रचना इन दोनों की बात करते हैं कि मैं कैसे रचता हूँ और कैसे महाप्रलय होता है, और कैसे फिर प्रकृति के अंदर जो जीवात्माएं हैं, प्राणी समुदाय हैं, क्योंकि गीता में जिसे हम जीवात्माएं कह रहे हैं योगिक साइंस के माध्यम से, गीता में भगवान उसको प्राणी समुदाय बोल रहे हैं, प्राणी समुदाय। तो प्राणी समुदाय कैसे महाप्रलय के बाद जब सृष्टि की पुनः रचना होती है, तो कैसे अपने स्वभाव के अनुसार जो प्राणी समुदाय हैं वो अपने पिछले स्वभाव के अनुसार उनकी रचना फिर कैसे होती है, तो ये तीनों सूत्र में, गीता के 3 सूत्र में ये मौजूद है। तो अभी मैं सूत्र पढ़ता हूँ, सूत्र 6ठा 7वां और 8वां, और हम उसको योगिक माध्यम से उन सूत्रों को खोलने की कोशिश करेंगे, और हम समझेंगे कि कैसे योगिक साइंस के जो सूत्र हैं, है ना, वो सूत्र कैसे सटीक हैं, और उन सूत्रों पे पूरी गीता, चाहे कोई भी शास्त्र हो, क्योंकि सत्य तो आखिर सत्य होता है, चाहे वो गीता में हो या फिर हमारे वेदांत में हो या तंत्र शास्त्र में हो, बहुत सारे शास्त्र हैं। तो कैसे जो सत्य है वो इन सिद्धांतों पे कैसे बिल्कुल फिट बैठता है। तो अभी मैं गीता के 3 सूत्र मैं पढ़ता हूँ। गीता का जो 6ठा सूत्र है वो है, मैं सिर्फ हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ, भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। ये 6ठा सूत्र है। योगिक साइंस में भी हम ये कहते आए हैं कि एक में, जिसकी हम जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, तो पहला सिद्धांत है योगिक साइंस का, वो है द प्रिंसिपल ऑफ नॉन ड्यूअलिटी, 1। उस एक में जो 2 है, या 2 के बाद जो पूरी रचना हुई है, वो सारी चीजें वैसे की वैसी स्थित हैं, जैसे कि हमने योगिक साइंस के माध्यम से हम कहते आ रहे हैं। वही चीज इस सूत्र में भी है कि जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, जैसे वायु आकाश में स्थित है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में ही स्थित रहते हैं, ऐसा तुम मान लो। ये 6ठा सूत्र है। अब सूत्र नंबर 7 की तरफ मैं जा रहा हूं, 7वां सूत्र। भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, उसके बाद कल्पों के आदि में, यानी महासर्ग के समय, मैं फिर उनकी रचना करता हूं। ये 7वां सूत्र है। योगिक साइंस में हमने ये कहा है कि जब जो एनर्जी ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो चेतन की एनर्जी है, यानी परमात्मा जिसको हम कह रहे हैं, एक के बाद जो दूसरी स्थिति है 2 की, एक तरफ प्रकृति और एक तरफ चेतन शक्ति यानी परमात्मा, जो उसको
हमेशा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो वो ऊपर से उसकी शक्ति स्टार्ट होती है और नीचे गिरती है, फिर ऊपर जाती है, और ऊपर वो शक्ति रुकती है। तो जहां पे रुकती है, ठीक है, वहां पर है ये जो भगवान कह रहे कल्पों का क्षय होने पर या महाप्रलय के समय, तो उसको महाप्रलय कहा गया है, उस रुकने को। उस समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में जो भी उनका स्वभाव बना है प्रकृतिवश, तो वो उस स्वभाव को प्राप्त होते हैं। फिर वो एनर्जी फिर चलती है, फिर स्टार्ट होती है नीचे की तरफ, यानी कल्पों के आदि में। कल्पों के आदि में जो स्वभाव लेकर संपूर्ण प्राणी जितनी भी जीवात्माएं हैं वो प्रकृति में लय हो गई, फिर वो उनकी रचना होती है उन्हीं उसी चेतन शक्ति के माध्यम से। तो ये भी योगिक साइंस के माध्यम से पहले एपिसोड्स में हम कह चुके हैं। तो ये सातवां सूत्र है। तो इस सूत्र में भी यानी कि महाप्रलय और महासर्ग के समय की का उल्लेख है। महाप्रलय यानी जब चेतन शक्ति ऊपर की तरफ रुकती है नीचे गिरने के बाद, पूरा राउंड लेने के बाद जब ऊपर रुकती है और फिर चलती है। और जो आठवां सूत्र है वो है, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचता हूं। अपनी प्रकृति को वश में करके, ये हम पहले कह चुके हैं कि जो चेतन की एनर्जी है, जो परमात्मा की एनर्जी है, वो प्रकृति को हमेशा कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूं, यानी कि वहां से ऊपर से चलती है फिर ऊपर फिर रुकती है। तो जब वो चलती है तो प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए, क्योंकि नीचे प्रकृति के अंदर जितने भी प्राणी समुदाय है, जितने भी जीवात्माएं हैं, वो परतंत्र हैं, यानी प्रकृति के स्वभाव के अंदर है वो, यानी परतंत्र है। तो उस स्वभाव के आधार पर ही उनकी फिर आगे गति होती है, आगे की रचना होती है। मगर रचना भगवान इसमें ये कह रहे हैं कि वो मैं ही करता हूं, मैं यानी परमात्मा यानी चेतन शक्ति। तो शर्मा जी, मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से यानी योगिक साइंस के माध्यम से इन तीनों सूत्र पर प्रकाश डालने का अनुरोध करता हूं कि इन तीनों सूत्र पर आप कृपया प्रकाश डालिए, जिसके अंदर महाप्रलय और महासर्ग महासर्ग की बात कही गई है, यानी सृष्टि की उत्पत्ति की बात कही गई, मीन्स रचना की। इसमें योगिक साइंस के आधार पे अगर हम विचार भी करें और हम अपने अंदर बाहर को देखें तो ये चीज वहाँ आपको मिलेगी, जो आपने बहुत सारा इसमें बता दिया कि चेतन शक्ति वो इस तरीके से चलती है, कंट्रोल करती है। मगर जब महाप्रलय, जब आठवें सूत्र में जब बताया महाप्रलय, वो हम मेज स्थित होते हैं करते हैं, जो महाप्रलय हो जाता है, महाप्रलय की स्थिति एक इस तरीके से समझ लेते हैं कि एक शरीर है वो निर्जीव हो गया है, उसकी सांस बंद हो गई है, तो शरीर का महाप्रलय हो गया है। तो शरीर का जो महाप्रलय हो गया है वो तो विफलित हो गया है, मगर शरीर में महाप्रलय हो गया है उसके शरीर के अंदर, और जो विस्तार शरीर है, एक शरीर था उसका विस्तार था, उसका एक बड़े जो हमारा जिंदा शरीर है इसका ये विस्तार रूप है, इसका ये केंद्र रूप है, ये दो चीजें हैं इसमें। तो जो केंद्र रूप है वहां से एनर्जी हमारी पूरी डेवलप होती है, और हमारे डेवलप होने के माध्यम से कहने का तात्पर्य यह है कि जो केंद्र में है वो बाहर की एनर्जी को लेके, केंद्र से एनर्जी लेकर के उसको वो विस्तार लेती है। तो जैसे हमने उसको विस्तार लिया और विस्तार लेकर के बहुत बड़ा इतना बड़ा शरीर बना, और शरीर बनने के बाद में ये शरीर ये खत्म हुआ, तो जैसे इसकी सांस रुकी ये खत्म हुआ, तो ये शरीर का तो महाप्रलय हो गया,
अर्थात दूसरे तरीके से समझ लेते हैं कि ये बहुत बड़ा संसार है और इतना बड़ा संसार और इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर इतनी सारी जो रचनाएं हैं, जो जो कुछ भी है, ग्रह हैं और बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे इसमें बहुत प्रकार के नाना प्रकार के योनियां हैं, तो इन योनियों में अगर हम ये देख लें कि ये सारी की सारी डेवलप हो रही हैं, ये सारी विस्तार रूप में हैं और सारी कार्य कर रही हैं, अगर ये इनके बड़े क्षेत्र पे जो इनका केंद्र है, अगर उस केंद्र से चेतना को रोक दिया जाए, अर्थात जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की चेतना को केंद्र में जो पृथ्वी है, तो इसकी जो जितनी भी वायुमंडल इसका है पृथ्वी का, अगर इसको केंद्र से रोक दिया जाए तो ये निर्जीव हो जाएगा, और जब ये निर्जीव हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं चला जाएगा, तो ये जो चला नहीं गया है मगर जो चीज प्रलय हुई है, प्रलय होने के बाद में उसमें ये चीज बहुत गहन योगिक साइंस में ये चीज अध्ययन में आती है कि जिस चीज की बड़े विस्तार में है अगर उसका हमारा प्रलय हो गया है तो उसमें छोटे छोटे जो जीव है, एक बड़ा जीव था जो मैं कहलाता था, इतना बड़ा शरीर था, वो मैं वाला खत्म हो गया, तो उसमें जो छोटे छोटे जीवों से वो समूह बना था, तो वो जीव उसमें अपने केंद्रित हो गए, वो बड़ा वाला केंद्रित जीव जो था वो उसका प्रलय हुआ, ये जो छोटे छोटे हैं इनका प्रलय नहीं हुआ जी। तो इनका प्रलय नहीं हुआ तो जिस शरीर का प्रलय हुआ तो वो प्रसन्न भगवान एक समझा रहे हैं कि हम पुनः सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, तो पुनः सृष्टि की उत्पत्ति देखो इस तरीके से हो रही है, योगिक के साइंस के तरीके से आप नजरिए से देखें कि जब शरीर ये खत्म हुआ इतना बड़ा, इसका नाश हो गया, तो उसमें छोटे छोटे जो जिनसे समूह से जीवाणुओं से बना था, ये एनर्जी के केंद्र थे, छोटे छोटे केंद्र थे, उसमें यूनिटें भी थी और उसमें सिंगल पीस भी थे, तो जो ये सिंगल पीस जो जितनी यूनिटें थी वो सही कई तरीके के सिंगल पीस ही अपनी यूनिट को बनाता है, तो ऐसा नहीं है कि चेतन वाली हम उसे शरीर की बात कर रहे हैं, वहां केंद्र की बात नहीं है हम कर रहे, सिंगल की पीस बात करी और यूनिट की बात करी, तो ये इन लोग ये लोग तो वहां पे ये एनर्जी मौजूद है, ये वाली तो खत्म हो गई मगर ये एनर्जी मौजूद है, तो पुनः हम उस शरीर को निर्माण में लाते हैं जिस शरीर का प्रलय हो गया है, अर्थात जब महाप्रलय हो जाती है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड के अंदर की रचना को स्टॉप कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं महाप्रलय। जैसे मैंने अपने शरीर का उदाहरण दिया, हमने स्टॉप कर दिया, उसको हमने शरीर का महाप्रलय बोला, जब पूरे ब्रह्मांड की संरचना जो है वो सारी स्टॉप हो जाती है, तब स्टॉप हो जाती है तो सारी की सारी रुक जाती है, और रुकती जब ही है जो आपने बोला परमात्मा ऊपर की तरफ रुकता है, तो वो जो रुकता है वो केंद्र में भी रुकता है, यूनिट में भी रुकता है, और बहुत बड़े पैमाने पे इस ब्रह्मांड में जितनी भी संरचना है उसमें भी रुकता है, तो उसकी ये तीन सिद्धांत हम पहले ही बोल चुके कि वो स्लो गति से चलता है, फिर सामान्य गति पकड़ता है, फिर तेज गति पकड़ता है, तो जो वो गति हमने जो उसकी तीन बताई थी वो भी यही चीज है, यही चीज तीन इन तीनों चीजों में वो गतियां स्थित होती हैं, तो पुनः निर्माण करने के लिए उसे स्लो गति में जाना पड़ता है, तेज गति से किसी को विनाश तो किया जा सकता है मगर निर्माण के लिए तेज गति नहीं होती है, किसी तेज गति में निर्माण नहीं हो सकता है, निर्माण होने के लिए उसे स्लो गति में जाना पड़ेगा, स्लो गति से वन बाई वन एक एक साउंड आवाज, चाहे वो ओम कहो चाहे कुछ हो, एक एक आवाज उसकी अलग अलग आएगी, इससे वो एक एक यूनिट एक एक जीवाणु को इकट्ठा करके वो फिर पुनः निर्माण करेगा, इसका चाहे शरीर का हो और चाहे इस ब्रह्मांड की पूरी संपूर्ण ब्रह्मांड का हो या चाहे एक पृथ्वी के एक क्षेत्र का हो। तो जो छठे श्लोक में जो कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जितना भी वायुमंडल है इसे तू एक समझ, तो अगर वो सही कह रहे हैं कि अगर आपकी दृष्टि वायुमंडल पे है
तो आप एक समझ रहे हैं, और अगर आपकी दृष्टि में वायुमंडल के अंदर जो जीवाणु हैं अनेक हैं, अगर आपकी दृष्टि में वहां है समझ, तो वो ये आप दोनों तरीके से उल्टा पलटी अगर करेंगे, इधर भी जाएंगे उधर भी जाएंगे, तो स्थिति आपको स्पष्ट समझ में आएगी और खुद भी अपने आप भी समझ सकेंगे, दूसरे को भी समझा सकेंगे। क्योंकि क्योंकि एक व्यक्ति बहुत जगह से करवट इधर को ले जाता है, उधर को दोनों तरफ देख रहा हो, तो आप एक जीवाणु को भी देख रहे हैं और एक कंप्लीट वायुमंडल छठे स्ट्रोक में, तो वायुमंडल को भी आप देख रहे हैं, तो दोनों स्थिति देख रहे हैं। इसका मतलब इसका मतलब हुआ है कि आप वायुमंडल से सूक्ष्म हैं, और इसका मतलब दूसरा अर्थ हुआ जो इसमें अति सूक्ष्म जीव है आप उससे भी अति सूक्ष्म हैं, इसलिए उस जीव को देख पा रहे हैं। अगर उससे बड़े होते तो आपको जीव, अब हम जीवों से बड़े हैं, हमें वायुमंडल में जीव दिखाई नहीं देता, मगर वायुमंडल में तो मुझे हवा दिखाई दे रही है। तो हमें सूक्ष्म में जाना पड़ेगा, तब हम उससे जीव जो बहुत अति सूक्ष्म है उसको देख पाएंगे। हम अपने को हमको सूक्ष्म एनर्जी में जाना पड़ेगा। तो वो दोनों तरीके से रामायण में भी इसकी एक चौपाई है कि दीपक डेहरी बालिए और अंदर बाहर उजाला रहे, ऐसे कुछ चौपाई है। तो वो डेहरी पर रख दिए, डेहरी पे रख दे, डेहरी एक छोटी सी चीज होती है चौखट, और अंदर बहुत बड़ा कमरा होता है, और बाहर उससे भी 4 गुना 10 गुना आंगन होता है। तो वो दीपक दोनों तरफ उजाला देता है, क्योंकि वो पतली जगह पे रखा हुआ है। तो आपको सूक्ष्म होना पड़ेगा, तब आपको ये बाहर 10 गुना वाला आंगन और ये आपको कमरे वाला ये एरिया क्षेत्र तभी समझ में आएगा। तो ये योगिक साइंस से माध्यम से एनर्जी का सूक्ष्म होना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये एनर्जी सारा का सारा जिस वक्त महाप्रलय होती है, तो जो ब्रह्मांड में जितनी भी क्रियाकलाप है वो बाहर की तरफ, ब्रह्मांड के बाहर की तरफ या अंडे के बाहर की तरफ वो स्टॉप होने से सारा का सारा स्टॉप हो जाता है, इसलिए वो निर्जीव हो जाता है। जैसे हमने बोला कि मैं निर्जीव हो गया, ऐसे वो निर्जीव हो जाता है। तो उसमें चेतना कैसे जागती है? चेतना ऐसे जागती है जब वो एनर्जी जो परमात्मा की एनर्जी पुनः वो नीचे की तरफ गिरती है और फिर उसको राउंड लेके आती, वो उसमें चेतना भरती है, उसको चाल पैदा करती है, उसमें चाल पैदा होती है, इसलिए कंपन होती है। उस कंपन से सारे जीवाणु एक्शन में आ जाते हैं, एक्शन में आते हैं, तो जहां से हम स्टॉप हुए थे हमने वहीं से शुरू किया। या ऐसे समझिए, या मैं वैसे समझा देता हूं कि मैंने एक छोटे से बिंदु से स्टार्ट किया था और मैं आज इतना बड़ा शरीर हूं, और इतना बड़ा शरीर आज सांस बंद हो गई है, आज उसका प्रलय हो गया है, तो अब हम उसी बिंदु में जाकर के ही स्थित हो गए हैं, स्थित हो गए, क्योंकि अभी सारी की सारी स्थिति वही बन गई आकर के जहां से हमने जो चीज स्टार्ट करी थी। तो इस ब्रह्मांड में जहां संरचना जैसी थी वो स्टॉप होने से वहीं रुकी और वहीं से दोबारा स्टार्ट हुई। तो चेतन का जो अनुभव है, चेतन का अनुभव बात कर रहे हैं हम, अब चेतन के अनुभव की बात कर रहे हैं, चेतन का अनुभव ही जगत है। चेतन की इंद्रियगत ज्ञान आपके, उनका रस ही आपका जगत है। और ये जो ये सब चेतना की, इनकी चेतना दोनों की चेतना मिक्स होकर के, पावर उसकी परमात्मा की और इस चेतना ने उसको धारण करके, और यहाँ जो रस दिए हैं चाहे वो आपके इंद्रियगत ज्ञान हो चाहे वो कैसे, तो इसने ये जगत की संरचना करी है। तो जो जगत की संरचना करी है इसने, किसने? उस बिंदु ने जो जगत की संरचना करी, कितनी बड़ी करी? देखो इतनी बड़ी होकर के मेरा कितना बड़ा काम झाम मैंने रचा, मैं कितनी दुनिया जानता हूँ, मैं कितनी मेरी माया है, कितनी मेरे पास गाड़ियां कार हैं, ये सब मैंने रचा। तो ये जो रचा है और मेरे इसको बिंदु में फिर वापस जाते, ये फिनिश होते, फिर मैं बिंदु की तरह, बिंदु आप समझो चाहे उसके हमारी लाश के कीड़े मकोड़े समझो, सट जाए गल जाए तो उसमें कीड़े, आप वैसे समझ लो, जैसे आपको समझना हो वैसे समझ लो। अर्थात जहां से स्टार्ट किया है वहीं से आपको स्टार्ट, जहां रुके हो आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा के स्टॉप होते ही पूरा ब्रह्मांड की जितनी भी क्रियाकलाप है सब स्टॉप होता है। तो स्टॉप होता है, सारा का सारा निर्जीव होता है। और ये निर्जीव जो पना है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कहाँ का
इसको निर्जीव आराम से किया जाए, नहीं आराम से नहीं किया था, एक ही झटका लगता है, एक में निर्जीव होता है, एक परमात्मा रुका, ब्रह्मांड निर्जीव, मेरी सांस रुकी, मेरा शरीर निर्जीव, मैं जहां से स्टार्ट किया था सब निर्जीव, मगर ऐसा निर्जीव तो नहीं कि मेरे अंदर सूनियां और कीड़े मकोड़े और मैं लाश गलेगी तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, ऐसा निर्जीव नहीं। हमारे हमारे शरीर का, शरीर को हमने बिंदु में स्थापित किया है, इसलिए शरीर में जो यूनिट जहां से इकट्ठी थी वो पुनः वापस वहीं जा रही है, चाहे वो तत्वों को समझिए, चाहे वो आप एनर्जी को समझिए, चाहे वो आप इंद्रियगत ज्ञानों को, कर्म इंद्री, ज्ञान इंद्री, आप इनको समझिए, ये आपकी अपनी समझ है कि आपने उस चेतना को कहाँ स्थित किया है। तो ये जगत में अगर इतनी इंद्रियगत ज्ञान नहीं होता तो हमारा इससे लगाव नहीं होता। हम जीना चाहते हैं मगर हम बिंदु में नहीं जाना चाहते, जबकि हम बिंदु से हमारी उत्पत्ति है, मगर हम मैं वहां जाना नहीं चाहता, मुझे वो स्वीकार नहीं है, मुझे मौत स्वीकार नहीं है, मैं जीना चाहता हूँ। तो हर व्यक्ति अपने इंद्रियगत रसों के आदान प्रदान से कितने भी दुख सहता है फिर भी जीवन ही अच्छा लगता है। तो ये जीवन जो है इसे रोकना या इसे किसी दूसरे के माध्यम से इसे रोक देना, उस पर आघात करना, ये महाभयंकर एक हाला, हम तो ये कहेंगे उस हिसाब से तो पाप है, मगर ये तो होनी होती है, वो होती होके रहती है, इसलिए ऐसी विचार करो कि ऐसी ऐसे काम आपको ना मिले, प्राकृतिक ऐसे काम आपको ना दे, ये उस पर प्राकृतिक से आप हाथ जोड़ के दया करो कि आपको अच्छे अच्छे काम दे, अच्छे काम करो, अच्छे रहो, अच्छे काम करो, ये चीजों में मत जाओ। तो ये जो कृष्ण भगवान कह रहे हैं बहुत गहराई के हैं, हम लोग योगिक साइंस के माध्यम से गहराई को समझने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। अगर किसी को इसमें कोई शंका रहती तो सत्येंद्र बैठे हुए इनसे आप फोन करके, मेल करके पता कर सकते हैं कि इसमें ये समस्या कैसे हुई, कहाँ से लाई ये चीजें। तो प्राकृतिक और परमात्मा और उसके भी जो वायुमंडल थी, छठे और सातवें और आठवें श्लोकों की, ये मैंने एक सामूहिक छोटी सी एक आपको योगिक साइंस के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आगे और शर्मा जी, उम्मीद भी है कि ये जो तीनों सूत्र हमने बोले गीता जी के, तो ये जो भी वॉच कर रहे होंगे इसको, उनको समझ में आया होगा। योगिक साइंस के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं महाप्रलय को, ठीक है, और जो भगवान कह रहे हैं कि हम मैं फिर से सृष्टि की रचना करता हूँ, तो फिर से रचना करता हूँ उसका मतलब क्या है, महाप्रलय का मतलब क्या है, ये समझ में आया होगा जो भी इसको वॉच कर रहे हैं। यदि योगी साइंस के तीनों सिद्धांत जो हम बोलते आए हैं टाइम टाइम पे और बाकी एपिसोड्स में, तो काफ़ी क्लियर आया और क्लियर हुआ होगा लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले एपिसोड में हम गीता के ही श्लोक लेंगे, और क्योंकि गीता का, मैं तो कहता हूँ हर श्लोक में भगवान कृष्ण जी ने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि बिल्कुल योगिक साइंस के सिद्धांत में बिल्कुल फिट बैठती हैं, क्योंकि वो सिद्धांत भी अनुभव के आधार पर हैं, सत्य के आधार पर हैं, यथार्थ के आधार पर हैं सारी चीज़ें। और भगवान ने तो खुद ही सारी चीज़ें बोली हैं, है ना, जब वो खुद कह रहे हैं कि मैं खुद परमात्मा हूँ और वो खुद ही सारी चीज़ें बोल रहे हैं, तो मैच तो करेंगे। तो अगले एपिसोड्स में फिर मैं दो तीन सूत्र लूँगा ऐसे ही, ठीक है, और हम लोग चर्चा करेंगे, और उम्मीद है कि जो भी देखने वाले हैं उनको गीता और भी क्लियर होगी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।